जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। अर्धवार्षिक पेपर 2023 का, तो दोस्तों इस पेपर को हल करने वाले हैं, और इस पेपर में से बहुत से क्वेश्चन अब आपके जो एग्जाम होगा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, तो उसमें मिलेंगे बहुत से क्वेश्चन। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और सभी प्रश्न को आप सभी अच्छे से नोट करेंगे, ओके। चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आपके देख सकते हो दोस्तों पूर्णांक 80 नंबर का ये पेपर है, और ये प्रमुख आपके सामने निर्देश दिए गए हैं। निर्देश तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का है दोस्तों प्रमुख आपके सामने जो है पॉइंट बाई पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों, अगर आपको 6 नंबर पक्के करने हैं तो ये सभी तो नोट कर लेना अच्छे से। देखिएगा, पहला यहाँ पर पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल झूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 100% कहता हूँ दोस्तों, 100 में से 100% कहता हूँ, ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में मिलेगा जरूर, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के झूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा, ओके। और ये कालीबंगा आपके राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, वी एस सुतांकर कौन थे? मैं कह रहा हूँ दोस्तों 100% ये सभी क्वेश्चन मोस्ट है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये आपके पेपर में मिलेंगे। वी एस सुतांकर कौन थे दोस्तों, ठीक है? चिकित्सक थे, पुरातात्विक संस्कृत के विद्वान या इतिहासकार? तो दोस्तों ये संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। वी एस सुतांकर संस्कृत के विद्वान थे, याद रखे। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गांधार कला धर्म से संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है गांधार कला? तो दोस्तों बौद्ध जैन हिंदू इस्लाम दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, गांधार कला जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखे यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख पंथ के 10वें गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों, खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1699 में। ये भी प्रश्न आपके सभी याद रखे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था, यानी किसका दरबारी इतिहासकार था? अबुल फजल, बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था अकबर का, ठीक है, याद रखेंगे। और आईन ए अकबरी किसने लिखी थी दोस्तों? इन्होंने लिखी थी आईन ए अकबरी, अबुल फजल ने, ये भी याद रखे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, कब आए थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत? 1914, 1915, 1913, 1916। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। विदेश गए थे 1893 में, और वापस अपने गृह भूमि यानी भारत कब लौटते हैं? 1915 में। सभी याद रखे दोस्तों। नेक्स्ट प्रमुख अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, 7 अंक वाले क्वेश्चन है। कितने अंक वाले? 7 अंक वाले। तो सभी आप सभी अच्छे से नोट करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट आपके सामने दे रखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, खालिस्तान में आपको लिखना है दोस्तों, मृतकों का टीला। क्या होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर ऐसे पूछ लेता कि कालीबंगा, देखिएगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो फिर हम करते काले रंग की चूड़िया। क्या करते? काले रंग की चूड़िया। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर पूछ लेता अगर धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धोलावीरा का, तो फिर हम करते हैं यहाँ पर सफ़ेद कुआ। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआ। तो ये भी प्रश्न आप सभी याद रखें। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान में हैं, अब किस में है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, किस में संकलित हैं? तो दोस्तों सुतपिटक में सम्मिलित है। किस में है? सुतपिटक में, याद रखेंगे, सुतपिटक में सम्मिलित है दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि तेवेनियर ने कम से कम भारत में भारत की यात्रा की, कितनी बार यात्रा की, खालिस्तान बार या भारत की यात्रा की कितनी बार? तो लिखेंगे दोस्तों 6 बार इन्होंने यात्रा की थी। अमुक्त माल्यद खालिस्तान की रचना है, किसकी रचना है अमुक्त माल्यद? तो दोस्तों ये जो है आपको पता होगा कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना है दोस्तों, कौन सी? अमुक्त माल्यद, ठीक है, याद रखेंगे। तो खालिस्तान में आप क्या करेंगे? कृष्णदेव राय।
अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के खालिस्तान व्यापार को बढ़ावा दिया, तो यहां पर दोस्तों कपास के व्यापार को क्या दिया, बढ़ावा दिया था दोस्तों। किसके व्यापार को बढ़ावा दिया, कपास के व्यापार को बढ़ावा दिया। ये भी आप सभी को अच्छे से नोट करना दोस्तों, मैं फटाफट बता रहा हूं दोस्तों बिना आपका टाइम गवाए, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ऐसा का ऐसा पेपर आपके हाफ ईयरली पूछा जाएगा, है जैसे कि जैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अवध को बंगाल आर्मी की खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोधशाला कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, पोधशाला। तो अवध को बंगाल आर्मी की पोधशाला कहा जाता है, ठीक है, तो यहां पर पोधशाला कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, प्रश्न पूछा जाएगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखेंगे 1929 में हुआ, ठीक है। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा दोस्तों, अब जो आपके सामने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने नंबर वाले क्वेश्चन है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप खुद देख सकते हैं। एक बार में जो है इसको जो है छोटा कर देता हूँ, देखिएगा अब आपके सामने देखो ये प्रमुख क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, सही जोड़ी बनानी है, मिलान आपको करना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपके सामने दे रखा है अलेक्जेंडर कनिंगम, और अलेक्जेंडर कनिंगम को आपको पता होगा भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, सबको पता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम को। नेक्स्ट है आपके सामने मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंडिका, ठीक है। और ऋषभदेव आप सभी को पता होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। अलबिरुनी की पुस्तक का नाम क्या है, सबको पता है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद दोस्तों अलबिरुनी की पुस्तक का नाम है। यहाँ पर दीवान, दीवान दोस्तों कौन थे, ये वित्तीय व्यवस्था को देख रेख करने वाले, इनको दीवान कहा जाता था। और लॉर्ड कर्णविलास सब जानते हैं दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से इनको मिला लेना दोस्तों। सबसे पहला अलेक्जेंडर कनिंगम आपको क्या करना है, भारतीय पुरातत्व के जनक थे, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो सबको पता है इंडिका। फिर आपको क्या करना है, ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव ये जैन धर्म के क्या थे दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। और अलबिरुनी की पुस्तक का नाम सबको पता है, अलबिरुनी की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, किताब उल हिंद, तो इसमें आप क्या कर देंगे, किताब उल हिंद। इसके अलावा जो दीवान थे, दीवान ये कौन थे, दीवान ये वित्तीय व्यवस्था को देखरेख करने वाले। और हमारा राष्ट्र बच गया है कर्णविलास, कौन बच गया प्यारे मित्रों, कर्णविलास, तो कर्णविलास आप कर देंगे इस्तमरारी बंदोबस्त के साथ, ठीक है। तो ये आप मिला सकते हैं दोस्तों अच्छे से, ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं, आपके सामने प्रमुख चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, 7 नंबर में पूछे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिएगा। तो आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी, तो आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों बैल की पूजा होती थी, और एक सिंह वाला गेंडा भी था उसकी भी पूजा होती थी, ठीक है। तो ये इसका आप लिख सकते हैं। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है, तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ दोस्तों महाभारत है, कौन सा है, महाभारत, तो इसमें आंसर लिख देंगे महाभारत। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो सबको पता है रुद्रदमन ने, किसने करवाया था, रुद्रमन ने दोस्तों सुदर्शन झील का क्या करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था। छोटा गणराज्य किसे कहा गया, एक बार मुझे सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे प्यारे मित्रों, कि छोटा गणराज्य जो है वो किसे कहा गया, ओके। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट, अगर आपको नहीं आता तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स करना दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, कब पेश की गई थी पांचवी रिपोर्ट, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, 1813 ईस्वी में, सभी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। अगर यहां पर पूछता कि प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर हम कर देते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो संविधान सभा के यहां पर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा प्रमुख आपके सामने, यानी कि ए सत्य सत्य कथन को आपको छांटना है, ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे दोस्तों, बिल्कुल 6 नंबर भी यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। देखिएगा आपको याद रखना है प्रभावती गुप्त वाकटक वंश की राजकुमारी थी, तो दोस्तों प्रभावती गुप्त वाकटक वंश की राजकुमारी, ये अपना सत्य हो जाएगा।
धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार की योग का वर्णन है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सत्यप्रता का वर्णन निकेतन ने किया था, ये सत्य हो जाएगा दोस्तों। और अपार एक नयनार संत थी दोस्तों, अपार एक नयनार संत थी, तो ये नयनार संत थी। विजयनगर के देवता विठल भगवान शिव के रूप में माने जाते थे, तो विजयनगर के जो देवता है विठल ये भगवान विष्णु के रूप में माने जाते थे, तो ये अपना असत्य हो जाएगा। तो ये आपको सत्य और असत्य करना था। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन देखेगा। अब देखो थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है दोस्तों, ये प्रमुख क्वेश्चन सब मैंने करवाए हुए दोस्तों। और हाँ देखिएगा, आपको पता होगा इतिहास की एक सीरीज मैंने तैयार कर रखी है, वैसे आपने नोट्स मेरे से लिए होंगे। नोट्स की प्राइस है 50 रुपये, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो नोट्स की प्राइस 50 रुपये है। हिस्ट्री के अंदर आपको पता होगा दोस्तों, इतिहास के अंदर 3 बुक हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाग 1 भाग 2 भाग 3, इस प्रकार से 3 बुक हैं। तीनों बुक यानी मिल जाएगी आपको 50 रुपये में, ठीक है। व्हाट्सएप पर मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ के रूप में मिलेगी। तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। और 50 रुपये आपको फोन पे गूगल पे जो भी हेड उन पर आप कर सकते हो। 50 रुपये में दोस्तों आपको तीनों बुक के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं तो सीरीज भी आपको मिल जाएगी, सीरीज की प्राइस 30 रुपये है। सीरीज में क्या मिलेगा, यानी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर आपको 10 पेपर मिलेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित, ओके। तो आप सीरीज खरीदना चाहो तो सीरीज भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो 4 नगरों के नाम लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, जो भी आपको याद है, ठीक है, लोतल हुआ, बनावली, जो भी, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। अलबिरुनी कहाँ का, ये देखो अथवा में दे रखे, ये भी प्रश्न आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। अलबिरुनी कहाँ का निवासी था, वे गजनी कैसे पूछा, वर्णिया ने शिविर नगरों को क्या वर्णन किया, ये सब क्वेश्चन आपके नोट्स में सीरीज में मिल जाएंगे। तो आप सब क्वेश्चन ये देख सकते हो। उल्मा किसे कहते हैं, इस्लाम धर्म का जो ज्ञाता है वो उल्मा है, ठीक है। बासवाना नामक ब्राह्मण था कर्नाटक में, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये सब क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे, वैसे आप सभी इनको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, रायचूर दोआब के बारे में वर्णन कीजिए, अथवा में दे रखा है विजयनगर में शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, ये पता होगा, ये प्रमुख वंश है दोस्तों, अरविद वंश। संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, या फिर अथवा में दे रखा है पहाड़िया कौन थे, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। 1857 विद्रोह मेरठ से हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, गांधी इरविन समझौते की दो शर्तें लिखिएगा। ये देखो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी इनको अच्छे से याद करेंगे। तो ये प्रमुख क्वेश्चन आप देख सकते हो। संविधान सभा के 4 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिएगा, कोई भी सदस्य आप लिख सकते हो, प्रमुख 4 सदस्यों के नाम लिखने हैं। 15वां देख सकते हो, संविधान के मसविदे में विश्व की कितनी सूचियां बनाई गई थी, नाम लिखिएगा। इसके अलावा लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने क्या विचार किया, तो अथवा में भी दे रखे हैं ये सब क्वेश्चन। मैं यहाँ पर सबके आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है, तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो बाकी ये सब क्वेश्चन आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हो, सभी मोस्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप सभी याद करें दोस्तों, ठीक है। और ये आपके सामने 21वां क्वेश्चन है और ये 22वां क्वेश्चन है, ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका मानचित्र आ गया दोस्तों, मानचित्र में आपको भरना है लोथल है, वैशाली, मथुरा, अमरावती, इसके अलावा यहां पर देखो भारत के मानचित्र में ये अथवा में ये दर्शा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाले आते तो ऊपर वाले कर सकते हो, नीचे वाले तो नीचे वाले, देखो यहां पर दिल्ली, गिरनार, सारनाथ, उज्जैनी दे रखा है, ठीक है। और ये आपका 4 नंबर का है दोस्तों मैप, और मैप जो है प्रमुख आगे आपके सामने मैप दे रखा है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस मैप में आपको भरना है, जैसे अभी बात हुई लोथल, लोथल मैंने देखा था, तो लोथल आपका कहाँ है, लोथल गुजरात में है, तो यहाँ पर आप लोथल कर देते, ठीक है। अभी और क्या था, अभी यहाँ पर था, तो ये प्रमुख आपको नोट करना है। तो ये अपना पेपर था दोस्तों, किसका, हाफ ईयरली पेपर, यानी हिस्ट्री का, इतिहास का। तो सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर नोट्स बुक या सीरीज खरीदना चाहते हैं तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओके।